अशोक गहलोत नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। गहलोत के इस इनकार से दिख सकते हैं कैसे आफ्टर इफेक्ट्स। जो घटना हुई परसों के रोज, दो दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बयान सुना आपने, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीजन नेता अशोक गहलोत ने साफ इनकार कर दिया है कि वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बयान उनकी ओर से तब सामने आया है जब वे पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात कर बाहर निकले। गहलोत ने राजस्थान के सियासी हालात का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए ही इस चुनाव से दूरी बनाई, जिसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से माफी भी मांगी। दरअसल रविवार को ही गहलोत खेमे के 82 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कहा जा रहा था कि वे गहलोत के सीएम पद से हटने की चर्चाओं से खफा थे। अब हालांकि अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद से तौबा कर ली है, लेकिन उनके इस इनकार के साथ ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी गूंज उठी हैं कि अब गहलोत के इस इनकार के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि पार्टी आलाकमान गहलोत को राजस्थान की सक्रिय राजनीति से इसलिए दूर कर रही थी ताकि वहां जारी गहलोत खेमे और पायलट खेमे की खींचतान को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खत्म किया जा सके। इसे लेकर चर्चाएं ये भी थी कि गहलोत को पार्टी के केंद्र में एक बड़ा पद देकर, जबकि सचिन पायलट को चुनाव से पहले सीएम पद देकर दोनों ही नेताओं को संतुष्ट करना चाह रही थी, जिस पर अब पूरी तरह से पानी फिर गया है। लिहाजा राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक गहलोत के इस फैसले से सचिन पायलट के सीएम पद की चाहत पर भी पानी फिर गया है, क्योंकि अब नए सिरे से नई चर्चाएं ये उठ खड़ी हुई हैं कि गहलोत अगर राजस्थान चुनाव से कुछ महीने पहले अगर सीएम पद छोड़ने को राजी नहीं हुए तो फिर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वे खुद को जरूर बतौर सीएम फेस मैदान में उतारे जाने की चाहत रखेंगे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये बात सचिन पायलट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। ऐसे में ये सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि क्या पायलट खेमा एक बार फिर से 2020 जैसी गतिविधियों का दोहराव कर सकता है। 2020 में सचिन पायलट खेमे के समर्थक विधायकों का बागी रुख तब देखने को मिला था जब वे हरियाणा के मानेसर में एक रिजॉर्ट में जाकर रहने लगे थे, जिसे लेकर ये कहा गया था कि ऐसा गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए किया गया था। हालांकि तब वैसा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अब एक बार फिर से कुछ वैसे ही सवाल गूंजने लगे हैं। हालांकि साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को पार्टी आला कमान कोई बड़ा पद का ऑफर देकर उन्हें ऑबिलाइज करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि ये तमाम बातें अभी चर्चाओं और अटकलों के दायरे तक ही सिमटी हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।